नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और आज हम पहुंचे हैं सरस मेला में, जो कि बन्नू स्कूल के पास में लगा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज जो है सरस मेला 2022 का आगाज हो चुका है, जिसमें कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले हैं। संगीता ढौंडियाल जी पहुँच चुकी है, कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 7 तारीख को बसंती बिष्ट जी की संध्या यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ ही प्रीतम भगवान जी और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी कुछ खास यहाँ पर होने वाला है और इसके साथ ही मेला लगा है, तो मेले में क्या कुछ खास यहाँ पर है वो भी आपको सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की अलग अलग पोशाक में आपको लोग दिखाई देंगे, जैसे कि जौनपुरी, जौनपुरी और तरह तरह की जो वेशभूषा है यहाँ पर लोगों ने पहनी है। छोलिया नृत्य में भी जो छोलिया नृत्य की ड्रेस होती है उसमें भी लोग आपको दिख जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, और जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनका स्वागत आज सरस मेले का उद्घाटन फूलों से करेंगे, आरती से करेंगे और चीज़ कैसे करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले, और आप देख सकते हैं अलग अलग पोशाक में यहाँ पर कुमाऊनी पोशाक में, जौनपुरी, जौनसारी, तरह तरह की पोशाक में यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथ में ये पुष्प लिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खड़ी हैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री है उनका भी स्वागत करेंगे जब आएंगे, और हमारा स्टॉल भी लगा है जो हमारे जौनसार ब्लॉक चक्राता से यहाँ रखे हम अदरक अरबी ये सब बेचने ला रखा है, मक्की का आटा और उसका मंडोई का लहसुन ये सब ला रखा, अचार अपने जौनसार से लेके आए हैं। हाँ, अपने खेती का ये सब अपने खेती। मुख्यमंत्री जी आएंगे उनको क्या तोहफा देने वाले? अभी तो ये फिलहाल होता है। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टॉल लगी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है दर्शन? यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टॉल यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टॉल है यहाँ पर पहाड़ी मॉल नाम से है, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर पहाड़ी अदरक और इसके साथ अमरूद, कई सारी चीज़ें हैं, ये मिर्च भी यहाँ पर है, और इसके साथ ही घी भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, खीरा है, पहाड़ी जूस है, तरह तरह के। हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैडम, हम डिस्ट्रिक्ट चंपावत से आए हुए हैं। ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम पहाड़ की हर चीज़ यहाँ पर हमने रखी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तरह तरह के अचार हैं, जिसमें आम का, लहसुन का, कटहल का, कचनार का, बांस का, और मिक्स अचार भी है, और तरह तरह के जूस भी हैं जिसमें पहाड़ी आंवला, बुरांस, संतरा, माल्टा, नींबू एवं पहाड़ी ककड़ी और विभिन्न प्रकार के शहद, जैविक शहद जो हमारी पहाड़ी मोहन का पहाड़ी शहद के नाम से हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और वो भी कई प्रकार का है। जैसे आपका क्रीम हनी है, और कड़वा हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है, कॉम हनी है, अनेक प्रकार के शहद हमने जो इंडिका मधुमक्खी है उसके शहद यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पर बद्री गाय का घी भी रखा हुआ है। बद्री गाय के घी के साथ दूसरा जो ऑर्गेनिक घी जो है हमारा भैंस का घी भी है, तरह मतलब कई प्रकार के घी हमने रखे हैं। और यहाँ पर जो दाड़िम होता है पहाड़ में, अनार जिसे कहते हैं छोटा अनार, उसका चूप भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके आप यहाँ पर हमने अदरक रखी है जो पहाड़ के
ज्यादा शौकीन है उसके लिए गावे जिनके कहते हैं यानी कि अरबी के पत्ते वो भी यहाँ हमने रखे हैं और अरबी गटेरी भी यहाँ पर हमने रखी है। कद्दू पहाड़ी कद्दू यहाँ रखा हुआ है, कुमला जिसे कहते हैं वो भी हमने यहाँ पर रखा है और पहाड़ी केले भी हमने यहाँ पर रखे हैं कई प्रकार के। और यहाँ पर अच्छी सेल हो रही है, लोग आ रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से खरीद रहे हैं, लोग पहाड़ों के जो उत्पाद हैं उनकी तरफ काफ़ी रुचि रख रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेला चल रहा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं और हम लोगों का जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं जो समूह की महिलाएं यहाँ पर आई हैं उनका मनोबल बढ़ाएं, धन्यवाद। तो चलिए आगे भी चलते हैं, यहाँ पर पहाड़ की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये जो मेला लगा है इसका आनंद ले सकते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ खास आपके पास में? हमारे पास खास ये है, पापड़ है, अचार है, ये पहाड़ी दालें हैं, सब कुछ हमारे पास, खास के मंडवा कटा है, ये सब पहाड़ी चीज़ें हमारे पास हैं। हम लोग सहसपुर से आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ी दालें यहाँ पर लगी हैं, पहाड़ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं और ये सारे जो है हैंडमेड आइटम हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये जो चीज़ें हैं हाथ से बनी हुई, कहाँ से आए आप? बहादुरबाद से। बहादुरबाद, तो ये चीज़ें कहाँ पर बनती हैं आपकी, कितने लोगों का समूह? जो हमारा तो 10 लोगों का समूह है। 10 लोगों का? यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के लोग आए हैं और काफ़ी कुछ खास यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिवाली नज़दीक है, ऐसे में दिवाली को लेकर के भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जिसमें समृद्धि प्रसाद ग्रोथ सेंटर इसमें लिखा है। यहाँ पर दिवाली के लिए आपने ये लगाए हैं, तो क्या कुछ खास है, दिवाली आने वाली है, क्या कुछ खास स्वागत? ये दीपावली की जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो सारी चीज़ें हैं इसमें, एक किट में सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी है जितना हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो दिवाली के बेसिकली पूजा के लिए ये पैकेज बनाया? जी जी, पूजा के लिए ये हरिद्वार प्रसादम है जो हरिद्वार में हम चढ़ाते हैं, वैसे हर की पेड़ी पे भी चढ़ा सकते हैं उसके लिए। आपका ये जो समूह है कहाँ पर काम करता है, कितने लोगों का? ये हरिद्वार में बहादुराबाद ब्लॉक में है, मेरे SHG में, उसमें ग्रोथ सेंटर में 100 महिलाएं काम करती हैं जो सारे प्रसाद के ही काम करती हैं, कोई चुन्नी बनाती है, अगरबत्ती वगैरह बनाती है, इलायची दाना पंचमेवा वगैरह सारे कुछ बनते हैं उसमें। चलिए यहाँ पर आगे आपको दिखाऊंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हैंडमेड आइटम्स काफ़ी अच्छे अच्छे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हैंडमेड आइटम भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये दिया आप देख रहे हैं हैंडमेड बनाए गए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैम मेरा नाम रीना है, मैं सहसपुर से हूँ ब्लॉक से, और हमारे कितने लोग काम करते हैं? मैम हम 5-6 जने काम करते हैं और मिलके सामान बनाते हैं। तो आज यहाँ पर आए हैं लोग, यहाँ पर आ रहे होंगे, कैसा रिस्पॉन्स है? हाँ जी मैम, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, शुरुआत हो चुकी है बिक्री की और आई होप अच्छा आगे भी। जो दर्शक इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तो चलिए आप भी मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं और आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो दुकानें लग रही हैं। ग्रोथ सेंटर के अंदर ना, बाबराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर के अंदर हम चुन्नी बनाते हैं, चुन्नी बनाते हैं। हाँ जी, और हमारा सिलाई कढ़ाई का काम है, बैग बनाते हैं, चुन्नी बनाते हैं। तो ये जितने बैग यहाँ पर लगे हुए हैं आप अपने हाथों से बनाते हैं? कपड़े के सब अपने हाथों से बनाते हैं। तो इसका ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है? जी हाँ, हमें ट्रेनिंग दी थी, हम भी 200 ट्रेनिंग मशीन ने ली हुई है, डिप्लोमा प्राप्त हो रहा है। तो आपने कहाँ से सीखा ये काम? हमने समूह के जरिए सीखा, समूह के जरिए। हाँ जी, तो थोड़ा सा कुछ दिखा सकती हैं दर्शकों को क्या क्या चीजें आप बनाते हैं? ये माता की चुन्नी है जी, और मैडम जूट के बैग है जी, जूट के बैग।
तो चलिए थोड़ा सा आगे चल के भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ खास है। और आज ये मेला आपको मैं घुमाने वाली हूँ अपने साथ में थोड़ी देर में। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तब तक के लिए इस मेले को आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? रामनगर। तो क्या क्या चीजें आप यहाँ पर बनाते हैं, क्या दर्शकों को खास है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चांदी के छल्ले वगैरह। किस चीज से बने हैं? लकड़ी से? लकड़ी से नहीं है, वो एमएजेस से है, गत्ते से। तो आप देख सकते हैं दूर से, अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ये लकड़ी जैसा लगे, लेकिन ये गत्ते से बने हुए हैं और वाकई में बहुत अच्छे भी दिखाई पड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर से क्या कुछ खास हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए? हम लोग ये मडवे के बिस्किट और मल्टीग्रेन बिस्किट, ये पेठा बड़ी, पहाड़ी नमक, ये सारे प्रोजेक्ट जो पहाड़ी है, दाले वगैरह, ये सारे उधम सिंह नगर। तो यहाँ पर पहाड़ी चीजें मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं और पहाड़ की हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो क्या खास लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए टीवी से? हम लोग स्पेशली मशरूम में फोकस करो, मशरूम के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं मार्केट में। जैसे हमारे पास मशरूम के कुकीज मिल जाएंगे, इसके अलावा पिकल मशरूम का है, ड्राई मशरूम्स हैं, इसके अलावा कीवी हमारे पास अभी आएगा जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं टीवी में। मशरूम जो है लोगों के लिए रोजगार का एक अहम साधन भी बन रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है जो लोग इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किस तरीके से इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी काम किया है, पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के बाद स्पेशली हम लोग एसएचजी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में हम उनसे बाय बैक मशरूम भी परचेस करते हैं और इसमें हम लोग ये प्रोसेसिंग अपना अभी सेटअप करने जा रहे हैं टेरी में, तो इसमें हमारे 10-12 प्रोडक्ट सारे मशरूम के रहेंगे जो उनके लिए आगे एक आमदनी का साधन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आइटम हम भी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये ऊनी स्वेटर है, जो है ये भी आपको मिल सकती है। ठंड का मौसम जब आ जाएगा तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से, जखोली ब्लॉक से। जखोली से। हाँ। क्या कुछ खास बनाते हैं? स्वेटर, उलन का काम करते हूँ मैं। उलन का काम, तो खुद बुनते हैं सारी चीज़? हाँ, मैं खुद बुनती हूँ। दर्शकों को क्या कहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मतलब देख रहे हैं सब कुछ वो अच्छा है, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, हमको यहाँ का जो माहौल है, जो मेला है, वो अच्छा लगा। अभी आज शुरुआत है दिन आज। हाँ, मैं तो यही हूँ सरस मेले में। तुम कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या कुछ खास आइटम है? तो क्या ये भैया यहाँ ब्लॉक से आ रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे जो खास करके आइटम, एक तो हमारे के ट्रेडिशनल पुराना पारंपरिक धोखा है, इसको धोखा बोलते हैं, और ये हमारे भेड़ पालक है उसकी ऊन से बुलाया जाता है। दूसरा ये कि एक सोविनियर के टॉप पे हमारा है केदारनाथ का जो सिंबल है, तो ये अलग अलग हाँ, 20 आधे घंटे लगेगा भाई। आ रहा हूँ सुबह से, एक भी खबर दर्शकों को क्या कहेंगे? सब कुछ 177 स्टॉल नंबर है उखी मार्ट ब्लॉक का, और यहाँ पे जितने भी टोटल हैंडमेड प्रोडक्ट है और हैंडलूम का प्रोडक्ट है और जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो किया है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कर रखा है, और जितने भी यहाँ पे जितने भी टोटल चीज़ें जो मिलेंगी टोटल ऑर्गेनिक हैं और हमारे पहाड़ की चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं और इस मेले में आज क्या कुछ खास है? जी मैम, यहाँ पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जो वाकई में बहुत अच्छी लग रही है और जी उत्तराखंड की झलक आपको इसमें दिख सकती है। ये नहीं आ रही अच्छा, एक मिनट।
ये कहाँ पे है? मेरा ये कैसे रोड पे, कैसे रोड पे ये है दिल में। तो ये इतनी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग है, किस चीज से बनाते हैं? फाइबर ग्लास से। कितना पसंद करते हैं लोग इसे? काफी ज्यादा, आजकल तो ऑफिशियल वगैरह में यही चलती है, मोमेंटोस वगैरह। तो गिफ्ट पर्पस से मुझे लगता है ये काफी बेहतरीन है और लोगों को पसंद भी आती होगी। जी बहुत। क्या प्राइसेस है इसके? स्टार्टिंग है 900 से मेरे पास, बाकी आगे आगे कितने तक? 15,000 तक। 15,000 तो 900 से शुरुआत होके 15,000 तक की पेंटिंग यहाँ पर है और वाकई में बहुत अच्छी भी लग रही है ये देखने में। चलिए आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जय भूमियाल नाम से एक स्वयं सहायता समूह है, जोशी मठ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राजमा है और तरह तरह के जूस भी यहाँ पर है। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर गहर की दाल है और इसके साथ ही पहाड़ी चावल आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर उड़द की दाल है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। काले तिल यहाँ पर हैं और इसके साथ ही भट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, मंडवा फ्लोर है, ब्लैक काले तिल भी यहाँ पर है। क्या नाम है आप? मेरा नाम जयंती कुमार है। नमस्ते मैम जी। क्या कुछ खास लाई हैं आज दर्शकों के लिए? मैम जो महिलाएं घर में आम तौर पे वो करती हैं, उगाती हैं खेतों में, तो वही है, दाल है, चावल है, घर की गैस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दूर मतलब कम लाए हैं यहाँ पे, अभी शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी दुकानें हैं जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। उधर सारी मतलब लोहा घाट चंपावत से यहाँ पर लोहे की कढ़ाइयाँ, तवा, फ्राई पैन, इंडक्शन कढ़ाई और कृषि यंत्र की ये शॉप यहाँ पर है, और इसके साथ ही पहाड़ की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख सकती हैं। अनीता मंगई जी हमारे बीच में सरस मेले में प्रतिभाग कर चुके हैं। जो ही हमारे आज के महादेव के अतिथि हमारे बीच में उपस्थित होंगे, समस्त आदरणीय महानुभावों समेत दीप प्रज्वलित के साथ सरस मेला 2022 का आगाज किया जाएगा। यह मेला दिनांक 6 अक्टूबर 2022 से दिनांक 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यह सरस मेला दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके कौशल का प्रदर्शन करने, बेचने और उचित मूल्य पर संभावित बाजार के साथ संबंध बनाने के लिए एक सराहनीय मंच है। वास्तव में अंगिन त्योहार और मेले हमें एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। त्योहारों पर लगने वाले मेले कौम एकता
और संप्रदाय मेलों में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होकर दुनिया को भारत की संस्कृति की झलक दिखाते हैं। मेले और त्यौहार हमारे समृद्ध संस्कृति परंपरा एवं रीति रिवाजों के परिचायक हैं। विविधता में एकता के प्रतीक मेले और उत्सव के आयोजन से हमारी संस्कृति को यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लोग यहाँ पर हैं और इसके साथ ही इसमें इसको हमने खुद तैयार किया है और इसमें 30 बल्ब है और 30 इंच फिट पे है। ये कहाँ से आए हैं आप? हम कालसी ब्लॉक से आए। तो क्या कुछ फायदे इसके लोगों को मिल पाते हैं? इसको फायदा ये है कि इसमें अच्छी देसी है मैडम, ये ना देसी ये हमने खुद ही बनाया है। मतलब हमने चाइना इसको जो कहते ना स्वदेशी को अपनाने के लिए हमने खुद ही इसको तैयार किया। इसकी ट्रेनिंग पहले हमने दिलाई है ऐसे जिस के महिलाओं के माध्यम से और फिर इसको हमने तैयार किया है और काफी हमें ऑर्डर पे भी तैयार कर रहे हैं। और आज जो हमारा ये जो सरकार द्वारा जो मेला लगाया गया उसमें भी हम इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे बल्ब भी हम खुद ये बना के भी दिखा सकते हैं और ये बल्ब है हमारा जो हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस बार आप दिवाली पर जो है इन स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो ये महिलाएं स्वयं बनाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाय से गाय के गोबर से बनी सारी चीजें हैं। ये उपले आप देख रहे हैं गाय के गोबर से बने हैं, ये दिए गाय के गोबर से बने हैं और जितनी भी चीजें अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी की सारी गाय के गोबर से बनाई गई है। हाँ जी, ये जो सारी चीजें हैं गाय के गोबर से आपने बनाई हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं पौड़ी गढ़वाल से आई मैम। हाँ जी, पौड़ी ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैम इनसे पूछिए इनका है। हाँ जी सर, ये सारी चीजें गाय के गोबर से आपने बनाई हैं, कैसे आपको जो है आइडिया आया कि गाय के गोबर से इतनी सारी चीजें बनाई जा सकती? मैडम मैं पहले तो सभी को नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम सविंदर सिंह रावत है, मैं सगला कोटी डिस्ट्रिक्ट पौड़ीगढ़वाल से हूँ। और ये आइडिया मुझे 9 साल पहले आया था। 9 साल पहले मैं जब रात को कुछ घूमता था तो देखता था कि गाय जो है सड़कों पे थी, तो बस सेवा पे लगे। और आज यही चीज नहीं है, अभी कल मेरा पेंट और गोबर की ईंटें भी आ रही है जो बाई टेस्ट लैब में है। गोबर की ईंटें इतनी मजबूत होती है कि मतलब वो एक मकान खड़ा कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, दो साल तक वो मैट नहीं हो सकती पहली बात, और इको फ्रेंडली है, रेडिएशन जीरो, और आपका जो वातानुकूल है हमारी ईंटें, हमारे पास प्लास्टर का भी सामान उपलब्ध है, हमारे पास उसका पेंट भी उपलब्ध है, सारी चीजें हैं गोबर से, अगर बाहर गर्मी तो अंदर ठंडा, ये वाला सिस्टम है हमारा। लोग कितना पसंद कर रहे हैं गाय से बनी ये चीजें जो आपके पास? पहले तो मुझे इस साल से लगा कुछ कि जब मैंने राखियों का सीजन आया था तो मैंने 40,000 राखियां निशुल्क अपने उत्तराखंड में बांटी। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों का रुझान इसकी तरफ आने लगा। इस प्रेजेंट टाइम पे भी मेरे पास जो मेरे पास लेडीजें काम कर रही है वो 10,000 का बल्क में काम कर रही है। लेडीजें देहरादून में भी कर रही है तो नैनीताल में भी कर रही है, तो पिथौरागढ़ में भी कर रही है, तो श्रीनगर में भी कर रही है, तो मैंने चारों तरफ जाल बिछा रखा है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे इस तरीके के काम करना चाहे तो क्या करना होगा उनको उसके लिए? उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, हमें फोन कीजिए आप और फोन करने के बाद हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे निःशुल्क, मशीनें भी देंगे निःशुल्क और आपको रॉ मटेरियल भी निःशुल्क देंगे, और उसमें रॉ जो आपसे मटेरियल बनाया जाएगा वो मटेरियल भी हम लेंगे
आपको मार्केट नहीं तलाशनी है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिखाइए क्या कुछ आइटम आपने बनाए हैं गाय के गोबर से। जी मैंने सबसे पहले तो बनाया था गमला, जब जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी ये पॉट बनाया था मैंने, और ये जनरेशन पॉट है, और इससे भी बड़े मैंने गमले बनाए जिनमें मैंने पौधे लगाई, और पौधे लगाने के बाद मुझे उसका रिजल्ट मिला। इसमें बहुत जल्दी बीज अंकुरित होता है। उसके बाद मैंने ये धूप बनाई, तो इस धूप को बनाते हुए मुझे 1.5 साल लगा कि इसमें मैं क्या रिजर्व करूं। तो इसमें आर्टिमिसिया होता है एक जो उसका नाम है, लेकिन ये हमारे गांव में उत्तराखंड में बहुत आसानी से पाया जाता है कुंडजा। तो बल्क में अब इसकी खेती भी मैं करने वाला हूं। अभी मेरे पास लेमन ग्रास की धूप है, गेंदे की धूप है, और बाकी एक धूप मेरे पास जिस चंदन की है, तो हम गाय के नाम से वो अभी मेरे पास अब उपलब्ध नहीं है, कल आ जाएगी वो भी। फिर इसके बाद मैंने ये सामरानी कप बनाया, जिसमें जितने प्रकार के हवन की सामग्री पड़ती है इसके अंदर उसको डाला गया। इसके बाद हम आए इस पे, तो ये हमने हवन सामग्री तैयार की, क्योंकि कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते तो इसको पसंद करते। इसमें गाय का घी भी है उपलब्ध। इसके बाद आया मैं इन कंडों पे, तो ये कंडे बनाए, ये कंडे मेरे महाराष्ट्र जाते हैं, केरला, तमिलनाडु, जो लोग जानते हैं इस कंडे के बारे में तो वही लेते हैं। और ये 200 क्या फायदा होता है इसका कंडे का, जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा बताएं। इस कंडे का फायदा ये है कि गोबर जब जलता है, सूखता है, सूखने के बाद जब जलता है तो 30% ऑक्सीजन छोड़ता है, ये फायदा है इसका। और ये जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो मैं आज गारंटेड बात कर रहा हूँ, ये परशुराम भगवान जी का एक अग्निहोत्र पात्र है। इस अग्निहोत्र पात्र में अगर इस गंडे को इस घी और 12 दाने चावल के साथ 2 आवतियां डाली जाए तो अच्छा खासा, जो कोई मतलब कभी ठीक ना हुआ, वो पागल हो, वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। और जिसको श्वास दमे की बीमारी होगी वो उस कमरे में बैठ जाएगा तो वो भी 99% ठीक होगा। ये मैंने खुद इजाद किया है और इसका मेरे को बहुत बड़ा अनुभव है। मिर्गी वाला अगर हम दवाई इसकी भस्म से दवाई बना के देते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने 10 मिर्गी वालों को ऐसे ही ठीक किया है। और अभी मेरी दवाई इसकी अमेरिका भी जाने वाली है। और भी बहुत सारी चीजें, गणेश बना रखे हैं हमने, ये कंडे हैं, और ये अगरबत्ती का निर्माण किया, क्योंकि हिंदू धर्म में बोला जाता है कि बांस की डंडियों को ना जलाएं, उससे नुकसान होता है, तो हमने ये अगरबत्तियां निकाल दी, ये भी प्योर गोबर की है। इसके बाद आए हम इस पे दीयों पे, सीजन भी चल रहा था और हमने कहा कि दिए बनाए जाए, तो ये हमारे दिए हैं। और इसके बाद आए हम इस पेंट पे, ये प्राकृतिक पेंट, ये भी गाय के गोबर से बना है, गाय के गोबर से बना हुआ है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें और बनानी है, सोफा हर चीज, मतलब जो आपको दिखती है, टेबल दिखता है तो टेबल तैयार कर दूंगा मैं। और एक इंडस्ट्री लगाने का विचार है मेरा कि 58 से 300 के आसपास मशीनें लगानी है गोबर की, जो कि अपने पहाड़ में लगेगी, क्योंकि बगैर रॉ मटेरियल के हम लोग परेशान थे और हमारे पास दुनिया भर का रॉ मटेरियल है। और मैं कोशिश करूंगा कि 70 रुपए से 100 रुपए किलो गाय का गोबर बिके, ताकि गाय सड़क से उठकर घर पे चले जाए। और अभी कल मेरे पास और भी चीजें आने वाली हैं जो मैंने तैयार नहीं की है, अभी रात को करूंगा। मेरे पास कई किस्म की खुशबुओं में, लेमन ग्रास में, नींबू की खुशबू में, आपको कुंजे की खुशबू में, बहुत सारी खुशबुओं में आपको गौमूत्र का फिनाइल तैयार मिलेगा।
ये गौमूत्र से है। अभी मेरे पास कपड़ा है नीचे, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं बना पाया इसको। वही गाय के गोबर से इतनी सारी चीजें बन सकती है। वाकई में मैंने भी आज ही देखा कि गाय के गोबर से हम पेंट बना सकते हैं और इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं, जरूरत है उसको तलाश करने की। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर खास आपको दिखाई पड़ सकती हैं। पहाड़ी टोपी की अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ पर पहाड़ी टोपी है, ये मोजे आप देख सकते हैं इस तरीके के, और बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मैम हम उत्तरकाशी से डुंडा ब्लॉक से आए। क्या कुछ खास है आपके पास में और क्या ये सारी चीजें हाथ से बनी हुई है? जी मैम, ये हमारा अपना लोकल वो उत्पाद है, उससे हम अपने हाथों से बनाते हैं, और हमारी जो भेड़ बकरियां होती है उसकी ऊन से निकाल के और काट कूट के उससे बनाते हैं अपने हाथों से, बहुत गर्म होता है। तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में है, और ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो आपको काफी पसंद आ सकती हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की स्टॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर हाथ से बनी हुई चीजें आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? फुरतू राम यादव, छत्तीसगढ़ से जी। क्या कुछ खास है यहाँ पर आप जो दर्शकों को दिखाने वाले? कढ़ाई का, ये पहले इसको कट किया जाता है, उसके बाद भी इसकी कढ़ाई की जाती है, पूरा हैंड इसका एम्ब्रॉयडरी का काम है। तो कितना समय लग जाता है इसको बनाने में? एक दुपट्टे को मैम एक हफ्ता लग जाता है। जी मैम, तो काफी मेहनत इसमें लगती है। क्या प्राइसेस रहते हैं इनके, कितने से स्टार्ट? 1500। ओके मैम, और कितने तक के मिल जाते हैं ये आपको? मतलब 20% डिस्काउंट करने के बाद में आपको मतलब 1200 का दे देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में गणेश जोशी जी भी पहुंचे हैं, और ऐसे बहुत सारे मुख्य अतिथि आज यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास आपको लगा, क्या कुछ देखा अभी? देखिए, आज उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सरस मेले का शुभारंभ हमने किया है। जैसा कि मुझे बताया गया, 20 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति का जहाँ ज्ञान होता है, और वहीं जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं जिनको हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं, उसको भी एक मार्केट मिलती है। और क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से ये मार्केट नहीं लग पाए थे, लेकिन आज पहला दिन है, लेकिन जो उत्साह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस मेले की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 16 तारीख की मेला चलेगा और डे बाई डे जो है रस बढ़ता जाएगा, लोग आते रहेंगे। लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को संदेश जानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक और स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि आज ऑर्गेनिक में जो चीज सामान्यतः मान लिया 100 रुपए की राजमा है, अगर वो ऑर्गेनिक बन जाती है कोई 300 की बिकती है। ऑर्गेनिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, तो ईश्वर जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज खास कार्यक्रम भी होने वाले हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आज काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोग भी जरूर पहुंच सकते हैं। आज संगीता ढोंडियाल जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और उनका खास कार्यक्रम आज होने वाला है। तो चलिए, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ खास यहाँ पर होने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वाल टीवी पर।